एनीमे की दुनिया हद से ज्यादा बड़ी है, जिसके अंदर काफी डिफरेंट एनिमेज हैं, जिनकी काफी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि सोनिन, सैनिन, एक्शन, रोमांस, हॉरर, मैजिक, कॉमेडी, हारिम, एची, एंड उन्हीं में से एक टाइप है इसिकाई, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टर्म इन द एनिमे वर्ल्ड। जिसका रीजन है इन एनिमेज की अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, एनिमेशन, फाइटिंग, हारिम, एची, कॉमेडी एंड फैन सर्विस, जो की हर एक इसिकाई में होना नेसेसरी है, जो की उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर बनाते हैं। मीन्स एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर हम लोग को मैजिक, अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती हैं। पर कुछ ऐसे इसिकाई एनिमे हैं जो कि अपने इसिकाई नेम को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करते हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं 10 मोस्ट पॉपुलर इसिकाई एनिमेस के बारे में बात करूंगा, जिन्हें तुम लोगों को हर हाल में देखना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को अपने टॉप 3 फेवरेट इसिकाई एनिमेस के नेम भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी इसिकाई एनिमेस को रैंक नहीं करने वाला हूं कि ये इसिकाई एनिमे नंबर 1 है या फिर ये नंबर 10। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, जो कि एक डार्क फैंटेसी एक्शन इसिकाई जोनर बेस्ड एनिमे है। इस एनिमे में हम लोगों को एक ऐसे वर्ल्ड को शो किया गया है जिसके अंदर वेव्स ऑफ कार्मिटी अपीयर होती हैं, जो कि तब अपीयर होती हैं जब टू डिफरेंट डायमेंशन आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जिससे इन डायमेंशन के स्पेस एंड टाइम के बीच में क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें वेव्स कहा जाता है। इन वेव्स के कारण डिफरेंट डायमेंशन के मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करते हैं। इन वेव्स को काउंटर करने के लिए इस वर्ल्ड के अंदर 4 कार्डिनल हीरोज को डिफरेंट वर्ल्ड से समन किया जाता है, जो कि इन वेव से एंटर होने वाले मॉन्स्टर से लड़ते हैं और इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। जब इन 4 हीरोज को इस वर्ल्ड में समन किया जाता है तो उस टाइम पे ये सभी हीरो एक स्पेसिफिक आइटम को वील्ड करते हैं, जिसके कारण इन हीरोज को स्वॉर्ड हीरो, स्पीयर हीरो, बो हीरो एंड शील्ड हीरो कहा जाता है। नाउ फूमी इवातानी, जो की हमारा मेन कैरेक्टर है, जो की मेलरोमैक नेम के किंगडम में एज अ शील्ड हीरो बाकी 3 हीरोज के साथ समन होता है, बट इस किंगडम में नाउ फूमी को बाकी 3 हीरोज के कंपैरिजन में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि इस किंगडम के किंग के अकॉर्डिंग शील्ड हीरो सबसे वीकेस्ट और एक डेविल है, जो कि इस किंगडम पे कालमिटी लाएगा। जिस टाइम पे हीरोज की पार्टी फॉर्म हो रही होती है, उस टाइम भी नाउफूमी की पार्टी में कोई भी ज्वाइन नहीं करता है, रेदर देन माइंड, जो कि एक बीच है। ना, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सी इज अ बीच। एंड मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये तुम लोगों को तब समझ आएगा जब तुम लोग इस एनिमे को देखोगे। नंबर 9, कोनोसुबा गॉड ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड, जो कि एक एडवेंचर, कॉमेडी और फैंटेसी जोनर बेस्ड इसिकाई एनिमे है। एंड ये एक स्पेशल टाइप का इसिकाई एनिमे, क्योंकि इस एनिमे को उसकी बिल्डिंग या फिर फाइटिंग के कारण नहीं, बल्कि इसके कैरेक्टर्स और उनकी कॉमेडी के कारण पसंद किया जाता है। एक ऐसा मेन कैरेक्टर जिसे मैन ऑफ कल्चर का अवार्ड मिल जाना चाहिए, एक ऐसी गॉडिस जो कि इतनी ज्यादा यूजलेस और अनोइंग है जिसे देखते ही गुस्सा आता है, एक लोली, यस एक लोली जिसे बिग ब्लास्ट के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है, एंड एक वॉरियर जो की एक, वेल तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो क्योंकि मैं इस वर्ड को बोलने नहीं वाला हूँ। ओवरऑल ये एनिमे काफी ज्यादा फनी है, अगर मैंने इस स्टोरी को थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन किया तो स्पॉइलर हो जाएगा। काजुमा जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो किस तरीके से इस वर्ल्ड में समन होता है वो भी काफी ज्यादा फनी है। नहीं, वो कुन से तो मिलता है, पर रेदर देन ट्रक कुन से मिलने की बजाय वो ट्रैक्टर कुन से मिल जाता है, एंड सरप्राइजिंगली वो उसकी वजह से भी दूसरे वर्ल्ड में समन नहीं होता। वेल, अगर तुम लोगों को एक गुड कॉमेडी एनिमे देखना है तो तुम लोग इस एनिमे को जरूर देख सकते हो, क्योंकि कोनोसुबा को बेस्ट कॉमेडी इसिकाई एनिमे भी बोला जाता है। नंबर 8, सुकीमिची मूनलिट फैंटेसी, ये एक एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी हारिम एनिमे है, एंड ये काइंड ऑफ अंडररेटेड इसिकाई एनिमे है, क्योंकि इस इसिकाई एनिमे के बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। इसकी स्टोरी मिशिमी माकोटो के बारे में है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, जिसे एक दिन गॉड सुकियोमी गॉडिस के अनदर वर्ल्ड के ह्यूमंस को डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए समन करते हैं। लेकिन जब मकोटो गॉडिस से मिलता है तो उस टाइम पे गॉडिस मकोटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, एंड उसे अगली बताते हुए उसे बताती है कि उसने मकोटो के अलावा दूसरे किन्हीं 2 ह्यूमंस को एज अ हीरो चूज कर लिया रेदर देन मकोटो, और उसे उसकी हीरो की ड्यूटी से डिसमिस कर देती है, एंड मकोटो को बिना कोई भी पावर प्रोवाइड करे वेस्ट लैंड में ड्रॉप कर देती है। बट जो गॉड सुकियोमी होता है वो मकोटो को वेस्ट लैंड में ड्रॉप होने से पहले कुछ पावर प्रोवाइड कर देता है, एंड वो मकोटो कहता है कि तुम्हारा जो भी मन करे वो तुम इस वर्ल्ड में करना। जब मकोटो वेस्टलैंड में पूरे 3 दिन बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही भटक रहा होता है, तो वो एक और गर्ल से मिलती है जिसका नेम एमा होता है, और वो उसकी जान बचाता है, एंड एमा मकोटो को उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने होमलैंड पे ले जाती है। उस टाइम पे मकोटो को पता चलता है कि गॉडिस ने उसे ह्यूमन के अलावा बाकी सभी क्रिएचर्स से बात करने की एबिलिटी प्रोवाइड की है। इस जर्नी के दौरान मकोटो एमा के अलावा और भी काफी सर्वेंट को अपने अंडर एड करता है, जैसे कि टोमोए, मियो और सिंकी। एंड इस जर्नी के दौरान मकोटो को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स इस वर्ल्ड में पहले भी आ चुके हैं, एंड वो गॉडिस से एक एग्रीमेंट करते हैं जिसके कारण मकोटो को एज अ हीरो चूज किया जाता है। एंड नाउ हमारे मकोटो के इस जर्नी के दौरान 2 मिशन है, पहला अपने पेरेंट्स की रियल आइडेंटिटी को जानना, और दूसरा एक ऐसा वे ढूंढना जिससे कि वो इस वर्ल्ड और अपने प्रीवियस वर्ल्ड के बीच में ट्रेवल कर सके। नंबर 7 पे हमारे पास है ओवरलोड, जो कि एक एडवेंचर, डार्क फैंटेसी एंड एक्शन बेस्ड इसिकाई एनिमे है। ओवरलोड को भी उसकी अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग एंड उसके काफी ज्यादा डार्क होने के कारण पसंद
किया जाता है। सभी इसी का एनिमे में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे कि उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग, जो कि हर एक इसी का एनिमे काफी अच्छे तरीके से शो करता है। लेकिन ओवरलोड अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को थोड़ा और बेटर एंड वाइडली शो करता है, जिसके कारण कुछ एनिमे फैंस तो इसको बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग इसी का एनिमे भी मानते हैं। ओवरलोड की वर्ल्ड बिल्डिंग में हमें काफी सारे रीजन, डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंट टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती है। एंड जो सेकंड रीजन है जिसके कारण ओवरलोड को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, वो है इस एनिमे का काफी ज्यादा डार्क होना, क्योंकि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर आइंस ओलगाउन एक विलन है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सके। ओवरलोड की स्टोरी एक जैपनीज सैलरीमैन के बारे में, जो कि एक यैडरेसल नेम का वर्चुअल गेम खेलता है, लेकिन इस गेम के सर्वर जल्दी ही शट डाउन होने वाले होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने गिल्ड मेट्स के साथ लास्ट टाइम इस गेम में लॉग इन करता है और अपने गिल्ड मेट्स के साथ के टाइम को लास्ट टाइम एंजॉय करता है। जब बाकी सभी गिल्ड्स मेट गेम से लॉग आउट कर लेते हैं, लेकिन आइंस लास्ट तक गेम में लॉग इन ही रहता है एंड उस टाइम तक गेम के सर्वर शट डाउन हो जाते हैं एंड आइंस काइंड ऑफ स्लीप में चला जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को अपने गेम के वर्ल्ड के कैरेक्टर की फिजिकल बॉडी में पाता है एंड उसके जितने भी सर्वेंट है जो कि एनपीसी होते हैं वो सब भी रियल हो जाते हैं। नंबर 6, द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। ये एक एडवेंचर, रोमांस और फैंटेसी बेस्ड इसिकाई एनिमे है। इस एनिमे की स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड सेटअप पे बेस्ड है जिसमें काफी समय से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में वॉर कंटिन्यू है, जिसके कारण दोनों तरफ काफी ज्यादा कैजुअलिटी क्रिएट होती है, जिसे एंड करने के लिए आनोस वोल्डी गोड, जो कि मोस्ट पावरफुल डीमन लॉर्ड है अपने वर्ल्ड का, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी है, वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा, जिससे कि ये वॉर एंड हो जाएगी और डीमंस और ह्यूमंस के बीच में पीस क्रिएट हो जाएगी, जिसे करने के लिए आनोस हीरो कानोन को चुनता है, जो कि अपनी होली स्वॉर्ड की मदद से आनोस के हार्ट को स्टैब करेगा। लेकिन उससे पहले आनोस अपने हार्ट पे एक स्पेल अप्लाई कर लेता है, जिससे कि वो 2000 ईयर लेटर फिर से इस वर्ल्ड में रीइनकार्नेटेड हो जाएगा एंड उस टाइम तक ह्यूमन और डीमंस के बीच में पीस भी क्रिएट हो चुकी होगी, जो कि एक काइंड ऑफ ट्रू तो होता है, पर 2000 ईयर लेटर जब आनोस फिर से बोर्न होता है तो उस समय डीमंस के बीच में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट क्रिएट हो चुका होता है, जिसके कारण जो भी अनप्योर डीमंस होते हैं उन सबको प्योर डीमन से लो स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है एंड कोई भी डीमन आनोस को एज अ डीमन किंग कंसीडर नहीं करता है। जितने भी डीमंस होते हैं उन सबकी मेमोरीज में से एनोस वोल्डिगोड नेम के डीमन किंग की मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बल्कि कोई एवोस डिलहेविया नेम के डीमन किंग की मेमोरी एग्जिस्ट करती है, जो कि आनोस को मार डालना चाहता है। नंबर 5, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, जो कि एक एक्शन एडवेंचर रोमांस फैंटेसी एंड साइंटिफिक जोनरा बेस्ड एनिमे है, जो कि वन ऑफ द मेन रीजन है जिसके कारण इसिकाई एनिमे आज के टाइम पे इतने ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि ये एनिमे उस टाइम पर रिलीज होता है जिस टाइम पे इसिकाई एनिमे उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते। एसएओ का सीजन 1 8 जुलाई 2012 में रिलीज होता है एंड उस टाइम तक ये एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है। इसकी स्टोरी किरीटो के बारे में है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे ऑनलाइन वर्चुअल गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। उस टाइम मार्केट में एसएओ नेम का एक न्यू वर्चुअल गेम रिलीज होता है, जिसमें एक फ्यूचरिस्टिक हेडसेट होता है जो कि इन सब के ब्रेन के अनकॉन्शियस माइंड को एक वर्चुअल रियलिटी में ले जाता है और एकदम ही एक न्यू एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। किरीटो के अलावा और भी काफी सारे लोग होते हैं जो कि एसएओ को ट्राई करते हैं, बट सून इन लोगों को पता चलता है कि इस गेम के अंदर लॉग आउट का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक उसी टाइम पे गेम का क्रिएटर अकीहिको कायाबा सभी प्लेयर्स के सामने अपीयर होता है, जो कि इन लोगों को बताता है कि इस गेम से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इस गेम के सभी लेवल्स को पार करके गेम के मेन बॉस को हरा देना। एंड इसके साथ साथ अकीहिको ये भी बताता है कि जो भी प्लेयर्स गेम के अंदर मर जाते हैं या फिर इनके हेडसेट को कोई भी गेम के क्लियर होने से पहले फोर्सफुली निकालता है, उस टाइम पे ये हेडसेट एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक इन सभी प्लेयर्स के ब्रेन में रिलीज करेगा, जिससे कि ये सब लोग मर जाएंगे। इस बात को सुनकर सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, पर हमारा किरीटो ये डिसाइड करता है कि वो अपने लेवल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेवल अप करेगा और इस गेम को क्लियर करके यहाँ से निकल जाएगा। इस जर्नी के दौरान किरीटो आसुना से भी मिलता है, जो कि उसकी गेम में तो पार्टनर बनती ही है पर साथ ही साथ इन रियल लाइफ में भी उसकी पार्टनर बन जाती है। ऐसे हो की स्टोरी काफी ज्यादा कमाल है, इसीलिए इस इसिकाई एनिमे को तुम लोगों को जरूर देखना चाहिए। नंबर 4, द एमिनेंस इन द शैडो। ये एक डार्क फैंटेसी कॉमेडी इसिकाई एनिमे है एंड इस एनिमे ने आते ही काफी कम समय में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। अगर इसकी स्टोरी की बात करूं, सीड एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि अपने आप को एवरेज और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह शो करता है, बट इन रियलिटी में सीड काफी ज्यादा नॉलेजेबल है एंड उसने अपनी लाइफ में जितने भी मटेरियल आर्ट्स हैं उन सबको परफेक्टली मास्टर कर रखा है, बट ही स्टिल वेरी अनसेटिस्फाइड, क्योंकि सीड के अकॉर्डिंग इवन दो उसने सब मटेरियल आर्ट्स सीख लिए हैं, वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती रहेगी जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है एंड इसीलिए सीड किसी भी तरीके से मैजिक को गेन करना चाहता है। और ऐसे ही एक रात फ्रस्ट्रेशन में इसिकाई जोनरा के सबसे बड़े मेन प्रोटैगनिस्ट से मिलता है, जो कि है ट्रकून। ट्रकून से मिलने के बाद सीड एक ऐसे वर्ल्ड में रीइनकार्नेटेड हो जाता है जहाँ पे वो मैजिक को फाइनली यूज कर सकता है, लेकिन सीड इस वर्ल्ड में भी अपने आप को एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर ही शो करता है, बट एट नाइट सीड बिल्कुल ही एक ओपी कैरेक्टर बन जाता है एंड ऐसी एक नाइट हंट के दौरान सीड कुछ ह्यूमन
एक्सपेरिमेंट से भी मिलता है, जिन्हें वो अपनी मैजिक की मदद से फिर से ठीक कर देता है, जो कि बाय चांस सभी के सभी गर्ल्स होती है और हमारे सिर पे पूरी तरह से लट्टू है, बट हमारा सेठ किसी पे भी ध्यान नहीं देता और इन सब के साथ मिलकर एक शैडो गार्डन नेम की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। इसका काम क्लट नेम की एक इवल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस वर्ल्ड पे डोमिनेट करना चाहती है उसको रोकने का है। वेली एनिमे काफी फन है एंड इसकी स्टोरी एंड एनिमेशन भी काफी सही है। नंबर 3 रीजीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। ये एक एडवेंचर एक्शन डार्क फैंटेसी इसेकाई एनिमे है एंड ये इसेकाई एनिमे थोड़ी सी मैच्योर ऑडियंस के लिए है, क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी बाकी इसेकाई एनिमेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डार्क है। सुबारू जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है उसे दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है एंड सुबारू की जो मैजिक पावर है वो काफी ज्यादा डार्क है, जो कि तुम्हें इस एनिमे को देखने के बाद ही पता चलेगा। सुबारू जब इस वर्ल्ड में समन होता है तो वो एमिलिया नेम के एक हाल्फ एल्फ गर्ल से मिलता है, जिसे देखते ही सुबारू को उससे प्यार हो जाता है। एमिलिया इस टाइम पे वन ऑफ द कैंडिडेट है टू बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द किंगडम लुगुनिका एंड सुबारू ये डिसाइड करता है कि वो एमिलिया की मदद करेगा नेक्स्ट रूलर बनने में। रीजीरो दो रीजंस के कारण सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। पहला, सुबारू जो कि इस एनिमे में कितनी ज्यादा डार्क पेन और सफरिंग सिचुएशन से गुजरता है और फिर भी एमिलिया की मदद करता है, जिसके कारण इस एनिमे को एज अ मैच्योर ऑडियंस के लिए कंसीडर किया जाता है। एंड सेकंड, एमिलिया जिसे वन ऑफ द परफेक्ट वाइफ कंसीडर किया जाता है। रीजीरो का सीजन 3 अनाउंस कर दिया गया जो कि हमें इस साल देखने को मिलने वाला है, जिसके प्लॉट और भी ज्यादा अमेजिंग हो गए हैं। Yes, और भी ज्यादा अमेजिंग हो गए हैं। थैंक यू एनिमेटर्स। नंबर 2 दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, जो कि एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी का एनिमे है। इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर एज अ स्लाइम रीइंकार्नेटेड होता है, जो कि वन ऑफ द वीकेस्ट मॉन्स्टर है इसी का और फैंटेसी वर्ल्ड का। लेकिन अगर तुम हमारे रिमरू को वीक समझ रहे हो तो तुम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि रिमरू एक्चुअली में डीमन लॉर्ड है। इस एनिमे की स्टोरी सातोरू मिकामी के बारे में है, जिसका अपने प्रीवियस वर्ल्ड में मर्डर हो जाता है और वो एज अ स्लाइम इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड होता है। वेल, रिमरू एज अ स्लाइम तो रिबन होता है, पर उसका जो ब्रेन है वो अभी भी एक ह्यूमन का है, जिसके कारण रिमरू अपने आसपास के एनवायरनमेंट को काफी जल्दी अडेप्ट कर लेता है और अपने लेवल को काफी जल्दी लेवल अप कर लेता है। आगे चलकर रिमरू दूसरे मॉन्स्टर की स्पीशीज के साथ मिलकर रिमरू टेम्पेस्ट नेम का किंगडम क्रिएट करता है और उसका किंग बन जाता है। इस किंगडम के अंदर गोब्लिन, ऑक्स, लिजर्डमैन, ओग्र और भी डिफरेंट काइंड के मॉन्स्टर रहते हैं, लेकिन वेलमुट कंट्री रिमरू और उसके किंगडम को एज अ थ्रेट कंसीडर करते हैं एंड रिमरू और उसके किंगडम पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण रिमरू के कुछ खास फ्रेंड्स एंड काफी सारे पीपल मारे जाते हैं। उस टाइम पर रिमरू पूरी तरह से ट्रिगर्ड हो जाता है एंड डिसाइड करता है कि वो फालमुट के सभी सोल्जर्स को मार डालेगा और डीमन लॉर्ड बन जाएगा एंड डीमन लॉर्ड की पावर को यूज करके अपने कंट्री के पीपल्स की सोल को फिर से उनके शरीर में डाल देगा, जिससे कि वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। इस एनिमे का सीजन 3 बिगिन हो चुका है, जिसे देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इस सीजन के अंदर हम लोगों को अब तक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फाइट देखने को मिलने वाली है, जो कि होने वाली है हिनाटा द हीरो वर्सेस रिमरू द डीमन लॉर्ड के बीच में। एंड नाउ नंबर 1 मिकुसु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। ये एक एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी और इसेकाई जोनरा बेस्ड इसेकाई एनिमे है एंड इस एनिमे को एक गो टायर इसेकाई एनिमे कंसीडर किया जाता है बाकी इसेकाई एनिमे के कंपैरिजन में, क्योंकि इस एनिमे का प्लॉट काफी ज्यादा अमेजिंग है। जैसा कि मैंने कहा, काफी ज्यादा अमेजिंग है, मजाक कर रहा हूँ। मिकुसु टेंसेई में तुम लोगों को वो सब चीजें देखने को मिलती है जो मैंने बाकी इसेकाई एनिमे में बताई है, जैसे की अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, एनिमेशन, फाइटिंग, एचीनेस, लोलीस, लेकिन सिर्फ सीजन 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि सीजन 2 में वो सब वाइफूज बन जाती है। फिर ऐसा क्या है जो कि इस एनिमे को एक गो टायर इसेकाई एनिमे बनाती है, और वो है इस एनिमे की हमारे मेन कैरेक्टर के लिए वो सेम सिचुएशन को क्रिएट कर देना जो कि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में फेस की थी। इस एनिमे की स्टोरी एक 40 इयर्स ओल्ड जॉबलेस मैन के बारे में, जो कि अपनी लाइफ में सारी की सारी होप्स, फ्रेंड एंड फैमिली को खो चुका है और अपने आप रूम में बंद कर लेता है। लेकिन एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो फाइनली इस रूम से बाहर जाएगा और बाहर जाते ही वो फिर से हमारे इसी जोनर के मेन प्रोटैगनिस्ट से मिल जाता है, जो कि है ट्रकुन, और ट्रकुन से मिलते ही वो एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेटेड हो जाता है। वैसे तो रूड एज अ चाइल्ड इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड होता है, पर उसका ब्रेन अभी भी एक 40 इयर्स ओल्ड मैन जितना ही है, जिसके कारण रूडेस अपने आसपास की चीजों को काफी जल्दी सीख जाता है और एक जीनियस बन जाता है। इस एनिमे में रूडेस की लाइफ काफी ज्यादा स्मूथ चल रही होती है, जहाँ पर रूडेस काफी न्यू फ्रेंड्स बनाता है, एक ऐसा परिवार जो कि उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बाद में इस एनिमे में ऐसी दो इंसिडेंट अक्कर होते हैं जो कि रूडेस की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं एंड उसे फिर से उसी सेम सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ पर रूडेस अपनी प्रीवियस लाइफ में था एंड फिर से होपलेस कर देते हैं। मिकुसु टेंसेई का सीजन 2 का कोर 2 इस वीक फाइनली स्टार्ट हो चुका है एंड यहीं पे हमारे टॉप 10 इसेकाई एनिमे की लिस्ट खत्म होती है। मेरे जो टॉप 3 फेवरेट इसेकाई एनिमे है वो है मिकुसु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम एंड द एमिनेंस इन द शैडो। और तुम लोग भी अपने टॉप 3 फेवरेट इसेकाई एनिमे के नेम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।